लिए हम लोग बनाए हैं। तो जैसे कि ये चांद जैसे घूमता है, जैसे ही नाश्ता यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और एक तरफ जो रहता चांद उसकी रोशनी से सूरज की तरफ चांद दिखता है, चांद आधा दिखता है, सूरज सूरज से दूर जाता है तो चांद मतलब पूरा दिखता है। जैसे सर चांद की तरफ, सूरज की तरफ जब चांद आता है तो सूरज आधा दिखता है और सूरज से जब दूसरी तरफ जाता है तो पूरा सूरज चांद दिखता है। सर ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एंड्रॉइड कंट्रोल कार, इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाए हैं, मैं द पिलर से हूँ, मेरा नाम अवनीश राठौर है और इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ किए हैं आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, मोटर और बैटरी, और ये सब प्रोजेक्ट इस पर्पस में काम आते हैं जैसे सर्विलांस पर्पस में, कहीं भी अगर कई ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग नॉर्मली नहीं जा सकते तो ये सब प्रोजेक्ट जो होते हैं ये वहाँ आपको ले जाने में, और वहाँ पे सामने इसके कैमरा भी एक लगा होता है तो वो सब वहाँ के दिखाता है, और अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे सर्विलांस करनी है उसमें हेल्प करता है। इसको चलाना है यहाँ पे ब्लूटूथ ऐप एक है जो हम लोग बनाए, मतलब खुद से डिज़ाइन किए, इसको ये कनेक्ट हो गया, अब ये देखिए ये मेरे फ़ोन से चल रहा है, और इसके साथ एक कैमरा भी है, कैमरा भी चालू नहीं है, कैमरा चालू है। ये जो कचरा निकलता है हर घर से, तो अभी तो हमारे भारत या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कचरा हो जाता है, तो जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जो कचरा है उसको जलाएंगे तो उससे एनर्जी निकलेगा। हाँ वर्किंग मॉडल है, जैसे ये अब आग जलेगा ना तो यहाँ से जो आग है इसमें एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ से ये जलने लगेगा, अभी जब ये जल जाएगा देखिए जल रहा है, अब ये जो एनर्जी है यहाँ से इसमें जाएगी तो इसमें जब दो तीन वोल्ट जल होगी तो ये जलने लगेगा, थोड़ा मोड़ा भुकवाई करेगा, अब ये एकदम जलने लगेगा, तो ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करके ये मोटर चलने लगा है जिससे ये एब्जॉर्ब ये जो एयर है यहाँ निकल जाएगा और यहाँ से इंक बन जाएगा, इंक बना सकते हैं, इंक बना सकते हैं, यही हम लोग का प्रोजेक्ट है। सर जो ओशियन वाटर होते हैं जिसमें साल्ट यूज होता है तो उसको सर ये प्योरीफाई कर सकता है सर, यहाँ पे पहले हम ओशियन वाटर को डालेंगे तो इसके बाद सर यहाँ से ये प्योरीफाई चैम्बर में जाएगा, जिसके बाद सर यहाँ पे प्योरीफाई होगा थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा ग्रेफिन में जो सर 98.2% तक साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद यहाँ पे मिनरल्स टैंक में जाएगा जो कि पानी में जो भी मिनरल्स की कमी होगी उसको सर वो ऐड करेगा, उसके बाद ये यूवी लाइट बॉक्स में जाएगा जिसमें सर बैक्टीरिया होगा वायरस होगा जो भी उस पानी में होगा उसको सर वो मार देगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये मोटर के थ्रू से इसके अंदर जाएगा जो कि यहाँ पे प्योर पानी आ जाएगा, और पानी सर लगभग थ्री स्टेज में सर डिवाइड होते हैं, एक 50 से 150 के बीच में सर एकदम पीने लायक पानी होता है, उसके अलावा सर जो होता है 300 तक लगभग नॉर्मल पानी होता है, गुड पानी बोल सकते सर, बेस्ट पानी 50 से 150 के बीच में होता है, उसके ऊपर सर एकदम मतलब वास्ट वाटर होता है जो पीने लायक नहीं होता सर, अभी इसकी वजह से आपको चेक कर बताएंगे कौन सा पीने लायक है या नहीं है। नहीं सर ये नॉर्मल वाटर है जो मतलब इसमें साल्ट मिक्स हुआ है सर, अभी इसका DTS देखिएगा, TDS 415 सर, जो पीने लायक नहीं है सर, ये प्योरेस्ट पानी है, अभी इसका TDS लगभग 150 के अप्रॉक्स में आएगा सर ये सोलर पैनल से चलेगा सर। सर इसका 130 है सर, ये प्योरेस्ट पानी है पीने लायक सर। सर ज्यादा नहीं बन गया प्रोजेक्ट बनाया, इसमें लागत सर 4000 तक है सर, ये सब सर कॉस्टली ज्यादा ये पड़ा है सर, बाकी सब सर अगर इसको हम लोग लार्ज स्केल में लगाते हैं जैसे कि बड़े ओशियन के पास सर तो ये बहुत वर्क करेगा अब बाद में आने वाले समय में। सर ये अर्थक्वेक अलार्म प्रोजेक्ट है, ये अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था उससे इंस्पायर होकर हम लोग बनाए हैं, जैसे कि सर इधर ये सर्किट है तो ये वायर जब इसमें टच होगा तो सर्किट सर क्लोज हो जाएगा, और सर रुके सर ये जैसे ही क्लोज होगा सर्किट तो लाइट ब्लिंक करने लगेगी और बजर बजने लगेगा, सर बजर अभी डाउन हो गया है थोड़ा, बहुत देर से चला रहे हैं सर, MGIC लेजर सिक्योरिटी अलार्म, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इंटर करेगा तो ये अलार्म बजेगा सर, प्लस
इधर एलईडी लगा हुआ है तो एलईडी सर ग्लो करेगा। सर अभी सर बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, ये क्या बनाया आप लोगों ने? रिचार्जेबल फैन है। यहाँ से चार्ज होगा, ये यहाँ से ऑन होगा। इसमें क्या क्या लगा है सर? ये मोटर 3.4 वोल्ट का डायोड लगा है और 1.5 एएच की बैटरी लगी है और मोटर लगा है 3 वोल्ट का। डायोड क्या होता है बता सकती हैं सर? जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। मेरा नाम वेदांत अपूर्वा है। तो ये जो किसान लीजर सिक्योरिटी अलार्म था तो हम इसको बस हटा ही रहे थे, जैसे यहाँ मीटर लगाते हैं, यहाँ मीटर लगाते हैं, यहाँ मीटर लगाता, तो फिर यहाँ पे LDR लगा था जो कि सेंसर होता है। जब यहाँ पे सेंसर के पास आ रहा था लेजर लाइट उस पर, तो फिर वो मतलब जब लेजर लाइट उसमें नहीं पड़ेगा तो ये बजर आवाज़ करने लगेगा, तो वहीं जब इसमें कोई इंसान अंदर आएगा तो लेजर लाइट उस इंसान पड़ेगा, LDR पे नहीं आएगा तो बजर बजने लगेगा, वही लेजर सिक्योरिटी अलार्म बनेगा। सर ये एक चंद्रयान है जो जिसके मैनुफैक्चर जो हैं इसरो डॉट हैं। सर ये 3900 वेट का है और सर ये मून पे सर ये ट्रैवल कर साउथ पोल में सर 14 जुलाई को सर ये लॉन्च हुआ था एट 6 AM 6 o'clock। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके और ये हम लोग ऑन कर रहे हैं यहाँ पे अपना जनरेटर, यहाँ पर चलने लगा अंदर। जैसे हम लोग एक्स्ट्रा बाइक वो जनरेटर लगाएं कि अगर बाइक खराब हो जाए तो दूसरे से हम लोग चला सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग का पावर सप्लाई है, जहाँ पावर सप्लाई इकट्ठा होगा यहाँ से हम लोग ऑन करेंगे और यहाँ पर हम लोग को लाइट प्रोड्यूस मिल जाएगा। अंदर लाइट मिलना स्टार्ट हो गया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बाइक फोन चार्ज भी कर सकते हैं और अदर चीज भी कर सकते हैं। टोटल हम लोग का लाइट 20 वोल्ट मिल रहा है। हम लोग का कॉलेज स्कूल है महात्मा गांधी इंटर। मेरा नाम पीयूष गोस्वामी है और ये हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर सिद्धांत दुबे हैं, ये आपको अच्छे से बयां करेंगे। सर जैसे कि ये एक पेट्रोल इंजन है और ये मतलब एक बार इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालने पे ये 150 का एवरेज दे सकती है पूरा कंप्लीट तैयार होने पे। सर 2 से 3 दिन का अगर टाइम मिले तो हम इसको तैयार कर सकते हैं। सर बस टाइम यहाँ तो सिलाई मशीन का वो हैंडल है, सिलाई मशीन का ये क्रैंक है, ये रॉड है और ये सप्लाई की है और ये वो जीप कार की ब्रेक सिलेंडर है जो ब्रेक में लगी रहती है और ये बाइक का स्पार्क प्लग है और ये कुकर का वो जो ऊपर गैस निकल रहा है वो है। तो इसको कुछ और मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे ये 150 का एवरेज दे सके। सर एमजी इंटर कॉलेज, सर ये जैसे ये यस सर यस सर ये जैसे कार्बाइड डालते हैं और फिर पानी डालते हैं रुपए यार डालने से तो ये फूटेगा। देखिए काफी तेज आवाज है इसका। सर ये जैसे काफी तेज आवाज है सर, ये जैसे जानवरों को भगाने के लिए बहुत सही रहता है और सस्ते में बनता है। जैसे कार्बाइड पड़ा है इसमें और ये लाइटर की मदद से ये चिंगारी लगता है और गैस से ये बचता है। अपना नाम बताइए। अंशराज उपाध्याय। क्या बनाए बताइए? पानी गर्म करने वाला है। इलेक्ट्रिक हीट जनरेटर आदित्य सिंह क्लास 9G4। सर ये थर्मो इलेक्ट्रिक हीट जनरेटर है। सर ये हीट से ना पावर प्रोड्यूस करता है और ये सोलर पैनल है, यहाँ से सर ये हीट प्रोड्यूस करके इसको चार्ज कर रहा है बैटरी को। 4 वोल्ट की बैटरी है, 4×12 वोल्ट हो गई और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। 12 वोल्ट की बैटरी को 260 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये जला रहा है। सर वर्क होगा, बस थोड़ा सा डस्ट कलेक्ट वो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और उसके बाद सर हम लोग वो हीट वो फिल्टर भी लगा देंगे तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा इससे। किया है, बैटरी चार्ज हो गया है। सर यूज किया है तो बैटरी चार्ज हो गया है। सर हम लोग तब से ये जला के बैटरी चार्ज कर लिए हैं, अब जब तक बैटरी चार्ज आएगा ये जलेगा, फिर इसको जला के इसके सोलर से हीट जनरेटर से बैटरी चार्ज कर लेंगे। सर ये मैक्सिमम आधे घंटे चल रहा है।
आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये जो जो स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट का लखनऊ कैपिटल है तो उसी पे ये ग्लो करेगा और बजर आवाज करेगा, और अगर दूसरे पे करेंगे तो नहीं करेगा। जैसे बिहार का पटना हो गया तो पटना पे करेगा, बाकी और किसी पे आवाज नहीं करेगा। जैसे सिक्किम पे गैंगटॉक हो गया तो ये करेगा, ये बाकी किसी में नहीं करेगा, सारे सब में इसी तरह। सर स्टेट एंड कैपिटल लर्निंग मेरा नाम शौर त्रिपाठी, मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कक्षा 9 का छात्र हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट विलेज। हम लोग इस के माध्यम से हम लोग अपने विलेज को डेवलप कर सकते हैं। सर ये सब वर्किंग भी है स्मार्ट विलेज, विलेज से एकदम अलग रहेगा, एकदम शहर के जैसे रहेगा। इसमें मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज सब रहेगा। अभी इसमें सारे घर हैं, होम रेसिडेंशियल एरिया है, ये स्कूल है, ये हॉस्पिटल है, लिफ्ट अटैच्ड है, ये मॉल है, इसमें एस्केलेटर अटैच्ड है, सब वर्किंग है। हाँ वर्किंग है, हाँ चलता है, रुकिए चलाते हैं। सर ऐसे मूव करते हैं। सोलर सिस्टम आपका ये, इसके बारे में ये जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जैसे चंद्रमा आता है सर, उसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं सर, यही है। माय नेम इज आदर्श कुमार, आई एम क्लास 9 सेक्शन G1। टीम में ये लोग हैं, ये हैं और वो हैं। और ये सर ये दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये जो हम लोग का रेज है इसको यूटिलाइज करके सर इसको नीचे दिखाएगा, और वो भी 3D में। यहाँ पे टेस्ला कॉइल दिख रहा है, हाँ कैसे बनाए इसको आप? सर इसमें कॉपर वायर का मतलब यूज करके जब इसको मतलब एक उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक जनरेटर के बाद ये बिना वायर के ही ये CFL जल सकता है। ये टेस्ला निकोला टेस्ला इन्वेंट किए थे सन 1891 में। सर ये हेमोडायलिसिस का फंक्शन है, जैसे ब्लड को प्योर करता है, जो हमारा किडनी फंक्शन नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, तो हम सर हेमोडायलिसिस का मेडिकल में सर्जरी करवाते हैं, ब्लड का जो प्योर करता है। सर ब्लड का जैसे रहता है हमारा जो सर यहाँ पर एक मोटर लगा है, यहाँ से ब्लड हमारा जो ये डायलिसिस में जाकर फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद हमारा सर आता है एयर ट्रेपर के होते शुरू सर हमारा जाता है विसल्स में, विसल्स होने के बाद सर यहाँ पर इम्प्योर ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड होने के बाद फिर यहाँ से सर प्रोसेस फिर वही साइकिल होने लगता है। ये व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और ये कैसे वो वर्क करता है, ये मतलब ये नोड MCU से और API से कैसे मतलब वो मैसेज लेता है। Arduino IDE यूज कर रहा है, ये नोड MCU ESP8266 का यूज करके इस मतलब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इससे आप मतलब आपके घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा आप उसको यूज कर मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इससे वायरलेसली व्हाट्सएप से, अक्रॉस द वर्ल्ड आप कहीं पे भी रहेंगे
आपका ये कंट्रोल है। हाँ आप कर सकते हैं, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके घर में एक पावर सप्लाई जिससे ये मतलब होगा। जैसे आप ये एलईडी ऑन का मैसेज भेजेंगे, देखिए एलईडी ऑन का मैसेज भेजने पे एलईडी ऑन हो गया। आपको कोई सी एक फ्लोर का भी एलईडी ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट में आप क्या दिखा रहे हैं सर? जैसे मतलब हम लोग के प्रोजेक्ट में ये दिखाया गया कि मतलब पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, और विंडमिल के द्वारा हम लोग किसी भी पॉल्यूशन को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं विंड एनर्जी के द्वारा, और यहाँ पे पॉल्यूशन एरिया जो है इसको हम लोग मतलब कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ये दो चीज़ें हैं, एक साइड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और एक साइड मतलब कि एक साइड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और एक साइड पॉल्यूशन पॉल्यूटेड एरिया है। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारे मतलब पॉल्यूशन निकलते हैं, उससे रिवर भी मतलब डस्ट होता है ज़्यादा। बताया गया कि जहाँ पे पॉल्यूशन है, जहाँ पे पॉल्यूशन वाला एनवायरनमेंट अगर हम लोग इंडस्ट्रीज का सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वहाँ पर हम लोग पॉल्यूशन को होने को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसका अनयूज़ करेंगे, मतलब कि अगर हम लोग उसको मतलब कि बेहतरीन तरीके से उसके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको अगर हम लोग मतलब कि उसको रिसाइकल वगैरह नहीं कर सकते हैं तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होना तो तय है। तो उसको तो यहाँ पे प्लांट वगैरह लगाने जी सर, ये रेलवे ट्रैक क्रैक डिटेक्टर है सर, ये वर्क ऐसे करेगा सर, जब मान लीजिए कहीं भी अगर पटरी टूटी हुई है या फिर पटरी में कहीं भी क्रैक है या फिर पटरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी दिक्कत होती है पटरी पे तो तुरंत ये मैसेज कर देगा स्टेशन मास्टर को, और स्टेशन मास्टर जो भी उस पटरी पे आने वाली ट्रेन है उसके लोकल पायलट को तुरंत इन्फॉर्म कर देगा। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और हीट जो वेस्ट होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम जितना भी वेस्ट होगा वहाँ यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद ये सोलर पैनल इलेक्ट्रिकल जो भी हीट एनर्जी होगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग लगाए हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, यहाँ पे एसी से डीसी में कन्वर्ट होके ये हमारा बैटरी को चार्ज करेगा, और जब ये बैटरी चार्ज होगी तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, और उसके बाद से ये इसमें 220 वोल्ट का कन्वर्टर हम लोग लगाए हैं, 12 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट होगा और यहाँ से सीधे डायरेक्ट एनर्जी जाएगी बल्ब में हमारी, और बल्ब हमारा जलेगा। इससे हम लोग सर कुछ भी जला सकते हैं, मतलब टीवी फैन जो भी है वो सब चला सकते हैं, और जो हमारा जितने भी राख निकलेंगे उसको सर हम खेत में फर्टिलाइजर के थ्रू यूज कर सकते हैं, और जो धुआं निकलेगा उसको सर गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस के थ्रू हम लोग उसमें कार्बन अलग कर सकते हैं। और जो भी इसमें सर हमारे प्रधानमंत्री जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका यह उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही बढ़िया से बनाएं, ये हार्मफुल नहीं है, बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है। सर हमारे टीम मेंबर्स हैं, मेरा नाम आदित्य दुबे है और कृतार्थ त्रिपाठी, यश राय, आयुष राय और एक यश राय हैं वो गए हैं अभी कहीं इधर उधर, और रोहित राय। हाँ यस सर, हम हमारे टीम मेंबर्स ने इसको मिलकर बनाया है, एमजी इंटर कॉलेज के स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, इट इज आवर प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है सर इसरो पे जो चंद्रयान 3 बना है, ये पूरा इस पे बेस्ड है आत्मनिर्भर भारत पे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 2047 का विजन है कि आत्मनिर्भर भारत हो, टोटली आत्मनिर्भर भारत हो, उस पे ये बेस हम लोग बनाए हैं।